हेलो फ्रेंड्स, मैं एमके राजगुप्ता आपको एमके लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए करें, जो मेरा चैनल का नाम है एमके लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी। ठीक है, आज का प्रोजेक्ट एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट रेलेंटी है और क्लाइंट है एरिकॉन है, जिसमें मैं भी हूँ। तो जब भी हमको टाइम से मौका मिलता है तो आप लोग के पास हम वीडियो को हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के पास पहुंचाने का कोशिश करता हूं। देखिए, एक हमारा पियर कैप का डिज़ाइन है जो आप लोग को हम ये दिखा रहे हैं। रेनफ्रेशमेंट वर्क है जो आप यहां से देख सकते हैं। एक कोशिश करेंगे कि आप लोग के पास एक BBS भी हम आपके लेकर आएंगे पियर कैप को, जो दूसरे ब्लॉक्स में। ये हमारा एक पियर कैप है जो हम आपको इंट्रोडक्शन, ये जो वेल्डिंग है ना, वेल्डिंग नहीं होना चाहिए। कभी भी आप चेक कीजिए, ये वेल्डिंग नहीं होना चाहिए। हम पता है कि किसी भी चीज़ स्टील में अगर वेल्डिंग लग जाता है तो वहाँ का एरिया कमज़ोर हो जाता है, तो वेल्डिंग लगना गलत बात है। ठीक है, अभी सरिया भी रेनफोर्समेंट अभी वर्क प्रोग्रेस में है, जो बंध रहा है अभी पूर्ण रूप से बंधा नहीं है। पियर कैप देख रहे होंगे, पियर कैप पर जो चारों तरफ का प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, छज्जा बोलते हैं। छज्जा इसलिए होता है कि मान लीजिए कोई भी हमारा ये सेंट्रल रेलवे का काम चल रहा, मान लीजिए कि हमारे कोई भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो गया है, कुछ हो गया या कोई भी चेकिंग करना है, तो हम प्लेटफॉर्म के माध्यम से विजिलेंस कर सकते हैं। और एक हम आपको वीडियो में मेरा देखा होगा OHE पॉइंट वो होता है, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि रेलवे के साइड में बिजली का पोल लगे, सॉरी बिजली का OHE मार्क बोलते हैं, जो हमारा वायर जो रहता है, 11,000 शायद करेंट फ्लो होता है, उसको क्या करता है, रोक के रखने के लिए एक पॉल के माध्यम से लगा रहा था, उसको बोलते हैं OHE मार्क। ठीक है, ये देखिए हमारा बूम प्लेसर है, ये मशीन हमारा क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। ये एक बूम प्लेसर है जो मैं एक वीडियो में आपको हम बताया था, इसकी हाइट कितना है, 36 मीटर है। ठीक है ना, हाइस्ट इसका हाइट कितना है, 36 मीटर है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कॉन्क्रीट को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, ये हमारा बूम प्लेसर है, बूम प्लेसर को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर है जो अपने कमर में क्या है, बांधे हुए है मशीन। यही मशीन के माध्यम से क्या करता है, ऑपरेट करता है। ये देखिए, कभी भी हम जब मशीन को ऑपरेट करते हैं या कंक्रीट को प्लेस करते हैं, तो कभी भी 5 से प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रेशर से हम कंक्रीट को प्लेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, सेग्रीगेशन का चांस ज़्यादा होता है। तो आप वहाँ पे ऑपरेटर पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटर है या कोई भी लेबर मशीन है, जल्दी से जल्दी मिलर को खाली करने के चक्कर में ज़्यादा प्रेशर में कंक्रीट को प्लेस करेगा और सेग्रीगेशन का ज़्यादा चांस होगा। इससे है कि आप ऑपरेटर पर ध्यान दें। ये हमारा जो बूम प्लेसर मशीन है, इसका जो लेग्स चारों होते हैं 130 डिग्री पे होता है, जो चारों लेग्स को, दो लेग्स को एक तरफ से ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे एक पैनल बॉक्स रहता है। ठीक है, और दूसरे तरफ भी पैनल बॉक्स रखता है, जो वहाँ देखिए 364 ये देख रहे हैं ना, ये एक खुल जाता है, इधर भी रहता है सेम उधर भी रहता है, यहीं से हम क्या करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, आप जानते ही होंगे, बहुत लोग काम करवाए होंगे तो इस मशीन को अच्छे से जानते हैं। मशीन आने से बहुत ज़्यादा ही, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 130 डिग्री, अगर आप देख रहे होंगे तो मशीन आने के बाद हम अच्छे से क्या कर लेते हैं, कंक्रीट को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी हमको टाइम मिले तो हम आप लोग के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का कोशिश करता हूँ। ये एशिया का सबसे बड़ा सेपरेट बन रहा है, कटनी से ग्रेड सेपरेटेड, एशिया का सबसे बड़ा, समझ जाइए। इससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कभी भी हम अपने ब्लॉग्स के माध्यम से आप लोग के पास वीडियो पहुंचाते रहेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग के पास वीडियो पहुँचाने के लिए। देखिए मशीन को क्या किया, इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद क्या कर रहा है, रेडी फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए क्या मशीन को रेडी कर रहा है। रेडी करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो बूम प्लेसर है कंक्रीट ब्लॉक कर जाता है, ब्लॉक भी हो जाता है, फंस भी जाता है, तो प्रेशर नहीं लग पाने के कारण क्या होता है, कंक्रीट रुक भी जाता है। तो ज़्यादा रिस्क आपको पता है, कोई भी RCC वर्क कर रहे हैं बीच में छोड़ना गलत बात है। ठीक है, ये देखिए ये अपना क्या हो रहा है, कंक्रीट हो रहा है।
इसको जो पाइप लगा हुआ है उसको स्लीव बोलते हैं। स्लीव इसलिए है कि बाद में पियर कैप पर कंक्रीट करने के बाद इसमें हम पियरिंग प्लेट को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। आप लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चर का एक भाग होता है, सुपर स्ट्रक्चर का एक बियरिंग होता है, जो हम यहाँ पे एक स्टील को स्टील से मेजरमेंट करके स्लीव लगा देते हैं कि बाद में इसको अच्छा से निकाल ले और फिर बियरिंग प्लेट को वहाँ पे सेट कर दे। इस तरह से हम क्या करते हैं, पियरिंग कैप का हम कंक्रीट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जो वाइब्रेटर है, मैं इसका वाइब्रेटर के पास भी वीडियो बनाएंगे। ये जो वाइब्रेटर है, एक वाइब्रेटर का बहुत ज़्यादा कीमत होता है, 1.5 लाख के आसपास होता है। इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, क्या फ्रीक्वेंसी होता है, इसका क्या डाया होना चाहिए, ये देखिए इसके ऊपर भी बनाऊंगा। ये हमारा कंक्रीट हो रहा है, ये देख रहे हैं जो प्लेट लगा हुआ है और जो उसमें 3 इंच का डाया लगा हुआ है स्लीव, कि बाद में आसानी से हम प्लेट को क्या करें, निकाल लें और पाइप को निकाल के हम क्या कर दें, इसमें हम बियरिंग प्लेट को हम सेट कर दें। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और शुरू से लास्ट तक वीडियो देखें। एक और पियर कैप का ये एक दूसरा डिज़ाइन था, एक और डिज़ाइन, जो भी हमारा पियर कैप का अलग अलग डिज़ाइन होगा आपको ड्राइंग के माध्यम से हम अगले वीडियो से लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखिए इसका जो कवर था 50 mm है क्लियर कवर। हम लोग जानते हैं कि कवर दो तरह के, क्लियर कवर होता है, नॉमिनल कवर होता है। क्लियर कवर से 50 mm है। ये देखिए प्लेटफॉर्म है, आगे चल के दिखेगा, साइड का प्लेटफॉर्म है जो, ये देखिए इसको हम क्या बोले थे, स्लीव्स। ठीक है, ये साइड का प्लेटफॉर्म का कास्टिंग फिनिशिंग हो गया, ऊपर का एरिया जो है पियर कैप का टॉप वो भी फिनिशिंग हो जाएगा। इस तरह के वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, जय हिंद। साइड का एरिया है ये देखिए, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म, और ये देखिए फिनिशिंग वर्क अभी प्रोग्रेस पे है और ये क्या हो गया, हमारा पियर कैप फिनिश हो गया। फिर हम दूसरा डिज़ाइन लेकर आएंगे। धन्यवाद, हमारे ब्लॉग हमारे चैनल में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।